तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। काफी बेहतरीन कंपनी है ये। आप देखेंगे कि 2017 के आसपास इसका IPO आया था, वहां से इसमें तेजी आई, लेकिन फिर कुछ सालों तक इसमें कोई भी तेजी नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, आफ्टर COVID-19 जब इसमें तेजी बनना शुरू हुई, फिर ये लगातार आगे बढ़ती गई और अभी ये लगातार हायर हाई प्राइस एक्शन बनाते हुए लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। और इन दिनों इसमें वॉल्यूम की भी भरमार है, वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को नजर आ रहा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसके क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। 385 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में 10% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 15,897 करोड़। स्टॉक P/44 का है। ROCE की वैल्यू 30.6% एंड ROE 31.1% का, जो कि बहुत ही शानदार है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 230 का लो रहा और 430 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज जो है वो पिछले 4 दशकों पुरानी BLS ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसका कि ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस है और ये वीजा आउटसोर्सिंग में काम करता है और इस सेक्टर में ये ग्लोबली लेवल पर बिगेस्ट है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। पिछले एक साल के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो इसमें काफी उतार चढ़ाव रहा, तो उसमें कुछ खास अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, अब इसमें अच्छा प्राइस एक्शन बनता नजर आ रहा है, जो कि हम आगे चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। वहां पर हम देखेंगे कि आगे क्या क्या लेवल हो सकते हैं। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसका पिछले 5 सालों में जो CAGR है वो 33.1% की रेट से ग्रो किया है और ROE भी इसका पिछले 3 सालों में 28% से ज्यादा की रेट से ग्रो किया है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका अभी स्टॉक जो है वो 13x बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा है और टैक्स रेट्स भी इसका लो है। प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा लगभग 3% के आसपास कम किया है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो IT सॉफ्टवेयर में ये काम करती है, जिसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, PB फिनटेक, टाटा एलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, एफएल इंडिया जैसी और भी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं। BLS इंटरनेशनल के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 179 करोड़ का था, जून 2022 में 273 करोड़, जून 2023 में 383 करोड़ और जून 2024 में 493 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 31 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 71 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 121 करोड़ का शानदार प्रॉफिट नजर आया। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2015 में 450 करोड़ का था, मार्च 2019 में 804 करोड़, मार्च 2022 में 850 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 1786 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 24 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में 105 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में 111 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में बात करें तो कुल 375 करोड़ का शानदार प्रॉफिट नजर आया। यानी कि दोस्तों चाहे सेल्स हो फिर नेट प्रॉफिट हो, दोनों ही लेवल पर कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 80% की रेट से, पिछले 3 सालों में 116% की रेट से और पिछले 1 साल में 57% का बहुत ही शानदार ग्रोथ दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने बहुत ही वैल्यूएबल रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम इस कंपनी के बैलेंस की बात करते हैं तो जहां मार्च 2015 में 7 करोड़ का लोन था, मार्च 2019 में 38 करोड़ का लोन, मार्च 2022 में 11 करोड़ का लोन और अभी मार्च 2024 में 31 करोड़ का लोन और है, जिसकी तुलना में टोटल एसेट की अगर हम बात करते हैं तो जहां मार्च 2015 में 103 करोड़ का एसेट था, मार्च 2019 में 475 करोड़ का एसेट, मार्च 2022 में 633 करोड़ का एसेट और अभी मार्च 2024 में 1616 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में ये जो लोन है ये बस नाम मात्र का है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो अगर हम BLS इंटरनेशनल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 74.59% थी, वहां से घटकर जून 2024 में 71.52% रह गई है। FIIs की होल्डिंग 0.72% से बढ़कर 7.40% हो गई है। DIIs की होल्डिंग जहां बिल्कुल भी नहीं थी, उन्होंने भी पोजीशन बढ़ाकर 1.35% कर लिया और पब्लिक की होल्डिंग जहां 24% से ज्यादा थी घटकर 19.68% पर रह गई है। तो यानी कि देखा जाए तो अब जो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न वो काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम BLS इंटरनेशनल की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी गुड टाइम टू बाई है, प्रमोटर्स ने अब पिछले 90 डेज में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट पर नहीं पड़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। साथ ही दोस्तों अगर हम कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करते हैं तो काफी बेहतरीन है, डेप्ट इनका ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है और वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है एंड सेल्स ग्रोथ में भी काफी ज्यादा उछाल है। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ
आरओई का अगर हम देख लें ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, बाकी तो ये कंपनी बहुत ही शानदार काम कर रही है और आरओई में भी ये इन दिनों का लेवल जो है वो कम हुआ है, बाकी ओवरऑल लेवल जो है इसका अच्छा है। दोस्तों अगर हम बीएलएस इंटरनेशनल के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वीजा एंड कंस्यूलर सर्विसेज अराउंड 82%, डिजिटल सर्विसेज 18%, लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 36%, नॉर्थ अमेरिका 29.2%, इंडिया 21.6%, यूरोप 7.6% एंड एशिया पैसिफिक 5.1% का ये व्यापार देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें सेगमेंट वाइज तो वीजा एंड कंस्यूलर सर्विसेज से ही अराउंड 84% का प्रॉफिट आता है एंड डिजिटल सर्विसेज से 16% का। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं तो मिडिल ईस्ट में अराउंड 87.5% का प्रॉफिट आता है, नॉर्थ अमेरिका से 5% का एंड यूरोप से 3.5% का। एसेट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं सेगमेंट वाइज तो वीजा एंड कंस्यूलर सर्विसेज अराउंड 68.2% एंड डिजिटल सर्विसेज 31.8%। एसेट का ब्रेकअप करें तो मिडिल ईस्ट में अराउंड 68% का एसेट है, इंडिया में 25.9% का, यूरोप 3.3% एंड एशिया पैसिफिक 1.8%। तो दोस्तों हम लोग वापस से बीएलएस इंटरनेशनल के चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने आफ्टर कोविड-19 काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, अगर ये इस लेवल को पार करता है तो यहाँ से निकलने के बाद, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ से बंपर तेजी फिर से नजर आएगी जो लगभग 500 के लेवल तक जाएगी। उसके बाद वहां से अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर निकलते तो फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक एक पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। वैसे ये कंपनी फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी दोनों ही लेवल पर मुझे काफी ठीक लग रही है, लेकिन आप इसमें अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।